कोई भी धार्मिक काम करने के लिए करने वाला आदमी ये मियां बीवी साथ में करते हैं, पत्नी को साथ में लेके करते हैं, और उसके बारे में काफी उनको बोला गया, लेकिन ये खुद ही गए इनकी, जबकि पत्नी जीवित है, पत्नी को भी अभी ये तो पहली बात तो इन्होंने कभी बोला ही नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। जब इलेक्शन कमिश्नर ने बोला तब जाके इन्होंने पढ़ दिया कि मैं शादीशुदा हूं करके, लेकिन पहले दो तीन इलेक्शन के अंदर इन्होंने तो ये भी नहीं लिखा था। इतना झूठा जो आदमी बोलता था कि मैं चौथी क्लास बड़े मुश्किल से पास हो गया, उसके बाद में दो डिग्रियां मिल रही, दो दो डिग्रियां। तो हमारे देश में अभी तक के निकम्मे पंतप्रधान हुए होंगे, हमारे देश के अंदर कम काम करने वाले पंतप्रधान हुए होंगे, लेकिन हमारे देश के अंदर इतना झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश को जो मिला है, मैं नहीं समझता हूं कि इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ सके। ये नरेंद्र मोदी जी का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। 2014 में मैंने इस आदमी को वोट दिया था, मैं आपके माइक नहीं बताता, क्योंकि 2012-13 में इन्होंने जिस तरीके से बताया कि ये कांग्रेस पार्टी बड़ी करप्टेड है, धमका धमका, ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 1,70,000 करोड़ का घोटाला, धमका घोटाला, कोयला घोटाला, मोदी जी ने बोला था मैंने गुजरात का बड़ा विकास कर दिया, उनको 60 साल दिए, आपने मुझे 60 महीने दे दो, मैं भारत को वापिस से सोने की चिड़िया बनाऊंगा। अब मुझे भी लगा कि ना बीवी ना बच्चा, काम करेगा अच्छा, लेकिन किसको मालूम कि ये निकलेगा पूरा कच्चा लुच्चा, ठीक है ना, ऐसे बोल रहे हो ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सब लोग बोल रहे हैं, मैं डरता नहीं हूँ सरकार से। पीएम केयर फंड का तो घोटाला, मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया में इससे बड़ा कोई घोटाला हो सकता, वो तो बाहर आ ही नहीं रहा। जब पंतप्रधान राहत निधि हमारे देश में था, उसके बाद में इन्होंने बोले कि हमने पीएम केयर फंड और उसको प्राइवेट में डाल दिया, ऐसा कैसे डाल सकते। अभी तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन जब देगा तब मालूम पड़ेगा। और इनको सत्ता में इसीलिए आना है, एक बात समझिए, ये सत्ता में क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो सारे के सारे बीजेपी वाले जो है वो जेल में चक्की पीसेंगे, उनको मालूम होने से ये इतनी जेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इतना सब इनका कर्तव्य के काली होने के बाद में 21 दर पे बोल रहे हैं कि हम 370 400 पार, ये 400 पार नहीं होंगे इस बार, ये पूरे तड़ी पार हो जाएंगे, क्योंकि इनका गृहमंत्री तड़ी पार, जो गृहमंत्री तड़ी पार है वो गृहमंत्री हमारे देश में गृहमंत्री बना है ऐसा एक तड़ी पार आदमी। तो आज हमारा काम है कि इन सरकारों को तड़ी पार करना पड़ेगा। ईवीएम अगर इलेक्शन कमिश्नर अगर ये बात इतने सारे लोगों की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ईडी का ही चेहरा चपाटा है। हमारे देश को चाहिए वो, एक जमाने में हमको एक जो इलेक्शन कमिश्नर मिला था, सेशन जो मिला था, ऐसा इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश में मिल जाए ना, तो ये सारी बीजेपी में का एक भी आदमी इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेगा, एक भी नहीं रहेगा। लेकिन इन लोगों को ये सारा पता होने से आपको मालूम है कि किस तरीके से इलेक्शन के पहले दो दो इलेक्शन कमिश्नर रेजिग्नेशन दे देते हैं और ये जाके अपने तरीके से अपॉइंट करते हैं। पहले इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए 3 आदमी की कमेटी थी, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरा सेशन जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते थे, और एक अपोजिशन का लीडर रहता था। इन्होंने क्या कर दिया, अभी सत्ताधारी पार्टी के 2 आदमी और अपोजिशन का एक, यानी पहले ही तुम्हारी मेजोरिटी बना ली है, उसमें से तुमने सेशन कोर्ट के चीफ जस्टिस को निकाल दिया, ये सारी बातें बता दी है कि तुम्हारे दिल में काला है। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।